टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामो और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा होगा जैसे हमारा गुजर रहा है और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे बैंड और सिंगर द कराची बॉयज एंड काशिफ भाई। काशिफ भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक। आप भाई लोग सब ठीक है? मजे में ऑल राइट। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनी हाफ की। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अदील अमजद। किसने अपडेट दी आज लड़की होंगी यार? मुझे ना पता लग गया था जब हमारे सेट पे थोड़ी तेजी हो जाए ना उसका मतलब लड़कियां सुस्ती हो उसका क्या मतलब होता है? कोई लाश मेहमान आने वाले। तो आज मुझे बैंड भी सुबह से प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छा। कैमरामैन वाले बार बार फोकस इन फोकस आउट, तो मैं समझ गया था कि खातून होंगी। वेरी गुड, क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट हैं, देखा बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं। अल्लाह उनको खुश रखे जी। वो बेसिकली कराची से नहीं है गालिबन, जहां तक मैं जानता हूं। और ज्यादा खुश रखे क्योंकि हम हैं उनको कराची घुमाने के लिए जी। जब से वो कराची आई है बहुत अच्छा काम कर रही है। वो तो करेंगी। हाँ क्या मतलब है, कराची आई है इतनी दूर से तो अच्छा काम करेंगी। हाँ, तो बहुत ही जबरदस्त काम करती है। जो भी कैरेक्टर करती है वो बड़ा अच्छा होता है, चाहे वो सीरियस हो चाहे वो नॉन सीरियस हो। हाँ, या चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो क्रिकेट हो। हाँ क्रिकेट भी खेल के ऐसा हमारे साथ क्रिकेट भी खेली उन्होंने। और बहुत सारे लोग चाहते थे कि उनको इनवाइट किया जाए, तो हमने आपकी ख्वाहिश को एज ऑलवेज पूरा कर दिया है। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर नासिर जहांगीर। खराब किया हुआ है टाइमिंग के हवाले से। इतनी बिजी क्यों चल रही है आप, पहले तो ये बताइए। कराची आई हूँ, मसरूफ तो रहना है। हाँ, अच्छा किसने रखा हुआ है आपको इतना मसरूफ के आगे टाइम नहीं निकलना आपकी शोबिज़ इंडस्ट्री में? हमारी हमारी कहाँ है हमारी? इतने गोला गंडा लग रहे हैं ना ऐसा साथ बैठे हुए। अभी मैंने देखा है लग रहा है एक ही थान से दो शर्टें ऐसा लग रहा है कीचड़ उछाली है किसी ने है ना। अपनी तरफ से दोनों ने बड़ा फैशन किया लेकिन बहुत बुरे लग रहे हैं। असल में साथ है ना, अलग 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 हो तो अच्छे। तो वहां जाके बैठ जाओ। नहीं वहां जाके नहीं बैठ सकता कसम से। वहाँ के अच्छा वहाँ के लेंस का वहाँ का लेंस आप वहाँ चले गए तो फिर टू शॉट। अच्छा तो हम अपनी बातें मियां बीवी करते रहेंगे। आप बताएं सबसे पहले जो मैं हर किसी से सवाल पूछता हूँ, पूछिए आपका इतना खूबसूरत नाम नाज़िश जहांगीर जी का मतलब क्या है? नाजिश का जो मतलब है वो हूँ नहीं मैं, लोगों को लगता अच्छा, है। अच्छा, कौन है आप? पहले मतलब बताएं। सलमान खान क्या नाम है आपका? नाजिश का मतलब है नाज नखरे वाली। नाज नखरे वाली ठीक है। तो आप नहीं है नाज नखरे? था अब नहीं रहा। था अच्छा पहले बताएं था क्या था भाई? नखरे नखरे थे क्यों नहीं थे? हर चीज में थे, घर में थी ना लाडली थी। तो फिर अब जब आप अपना शहर छोड़ कर आए और यहाँ आके रहना शुरू कर दो नखरे कम करने नखरे कम हो जाते हैं। कहते हैं आटे दाल का भाव पता चल जाता है एग्जैक्टली। प्याज टमाटर क्या मतलब है? फंस गई ना अच्छा तुमने ऐसे पूछे जैसे तुम्हें बड़ा पता है। अब्बा जी ने ना अब्बा जी ने मेरी कॉल नहीं उठानी। मैं आपको सच बताऊं आप कुछ भी बोल देती है मान लेता क्योंकि इसको मतलब पता नहीं था। देखिए अपने नाम का मतलब सबको पता ही होता है इसलिए मैंने। जहांगीर का मतलब होता है बादशाहत। मेरे अब्बा जी का नाम है क्या हो गया मुझे कैसे नहीं पता होगा। वेल डन। तो आप बेसिकली इस्लामाबाद से हैं? इस्लामाबाद से। तो ये कब हुआ क्या आपने सोचा मुझे कराची जाना और मुझे ये काम करना है? 3-3.5 साल पहले थिएटर से। थिएटर से? थिएटर से। अच्छा तो ये एक बात बताएं कराची के नखरे कम हो गए आपके? करने पड़े। कराची ने बहुत सबर सिखा दिया, मुझ में नहीं था बिल्कुल। okay, अच्छा, भी नहीं था। okay. हाँ कराची ने सबर भी सिखा दिया, कराची ने थोड़े नखरे भी कम करवा दिए। ठीक है। क्योंकि हर कोई आपकी फैमिली नहीं होता एंड एवरीवन इज नॉट योर फ्रेंड हियर एटलीस्ट इन दिस इंडस्ट्री। तो अच्छा है अपने आप को ही थोड़ा लो कर लो। अच्छा आप जब कराची आई तो आपको कराची अच्छा लगा या आपने कहा यार अब काम करना तो रह लो अब जैसा भी है? दोनों चीजें, दोनों चीजें एडजस्ट कर लिया आपने? हाँ कर लिया क्योंकि रह रही थी
कमा रही हूँ, काम यहाँ से कर रही हूँ, तो कराची को पसंद भी करना। तो जब आप कराची आई सीवी देख के दिमाग खराब हुआ या नॉर्मल लगा? हाँ, क्योंकि अक्सर लोग आते थे। अच्छा, मजे की बात है, मैं जब कराची आई मैं कोई 6-7 महीने सीवी पे नहीं गई। क्यों? अच्छा, अब आई एम अ माउंटेन पर्सन, तो मुझे पानी इतना फैसिनेट नहीं करता कि मैं फॉरन जाती और देखती। तो हाँ, आपने कराची के पहाड़ देखे? कहाँ पहाड़? कटी पहाड़ी। आप कटी पहाड़ी नहीं गए? एक था वो भी काट दिया हमने, कटी पहाड़ी। वहाँ सारे पायलट रहते हैं और कहे भी तो मत जाइएगा, कोई कहे भी ना, मैं आपको दिखाता हूँ, मत जाइएगा, डन हो गया। वहाँ कोई भी जमीन पे घर नहीं है, सब उड़ रहे हैं घर, सब उड़ रहे हैं। अच्छा, नहीं तो अब आप सांभर जाती हैं तो दोबारा नाजिश बन जाती हैं या वहाँ जाके नखरे करती हैं? नहीं, वहाँ जाके मैं करती हूं वापस, क्यों? घर वाले तो घर है, वहाँ जाके भी मैं ना हूं तो फिर फायदा। अच्छा, कभी ये सोचा कि घर वालों को यहाँ बुला लें? नहीं, क्यों? लग रहा है कि डिस्कशन हुई और डांट। नहीं, ऐसा आप गलत कर रही हैं या वो नहीं आना चाहते? मेरे जो अब्बा जी है ना, वो कभी भी इस्लामाबाद नहीं छोड़ेंगे, वो तो मुझे यहाँ बड़ी मुश्किलों से रहने देते हैं। अच्छा। इवन मैं शिफ्ट कर गई हूँ इस्लामाबाद वापस अब, क्योंकि हाँ, अब क्योंकि उनको चाहिए हूँ मैं, वो कहते हैं कि बस आज। अच्छा, वो रहो इस्लामाबाद। वजह बताएं? पैदा तो नहीं हुए होंगे वो इस्लामाबाद में? अब्बा अब्बा नहीं, इस्लामाबाद पैदा नहीं हुई, लेकिन अब्बा का सारा ब्रॉटअप सारा ये सब इस्लामाबाद में, सब कुछ इस्लामाबाद। ठीक है, तो आप वो कह रहे हैं मैं इस्लामाबाद नहीं छोड़ूं? वो नहीं छोड़ सकते, ही लव्स इस्लामाबाद। मैंने देखा इस्लामाबाद वाले बड़ा प्यार करते हैं इस्लामाबाद से। मैंने बड़ी मुश्किलों से आदत हटाई है इस्लामाबाद की, बहुत मुश्किलों से, मुझे 2-2.5 साल लगे। अगर मैं आपसे कहूं कि काम यहां नहीं होता तो आप नहीं आती कराची? नहीं, क्यों आती फिर? बिल्कुल भी नहीं? नहीं नहीं, मतलब इतना नहीं अच्छा लगा आपको कराची? नहीं, हमें आना पड़ता आपसे मिलने के लिए। मुझे अच्छा लगता है थिएटर करना, अब तो खैर नहीं आ रहा क्योंकि उसकी कमिटमेंट इतनी लंबी होती है, तो वो फिर या तो ड्रामा कर लो या थिएटर कर लो, थिएटर में कोई पैसा नहीं है, पता होगा आपको। जी जी बिल्कुल। तो थिएटर वहाँ से है, 6th स्टैंडर्ड से लेके ओ लेवल्स तक मैंने किया है कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में। उसके बाद फिर मैं कमर्शियली आई थी, मैंने एक किया था इनके साथ शाशर अबील, जो अपने छोटी थी, आई वाज वेरी PNCA में। कौन सा प्ले था वो? और मैं नाम भूल गया, उसका म्यूजिकल प्ले था कोई। अच्छा। अभी इतनी मेमोरी बिल्कुल अच्छी नहीं, नहीं है मेरी। नहीं नहीं, उस टाइम पे नहीं। हाँ, ठीक है। फिर दावे के साथ किया 3 साल, फिर वो किया, फिर उसी से ही टीवी आ गया मेरे पास और मैं चली गई थी इस्लामाबाद। मैंने कहा था कि मुझे टीवी करना ही नहीं है, नॉट सो इंटरेस्टेड इन टीवी। तो फिर ये वाली ट्रांजिशन में मसला नहीं हुआ कि थिएटर से मैं टीवी में जा रही हूँ, टीवी का काम करने का तरीका डिफरेंट है, थिएटर का डिफरेंट है? मुझे ना एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। जब पहली दफा रिजेक्शन, दो दफा रिजेक्शन, हाँ, तीसरी दफा मैंने कहा व्हाई नॉट, कर लेना चाहिए। अच्छा, ये बताए, ये जब आपने थिएटर छोड़ा तो थिएटर में जितने लोगों ने आपके पैसे देने थे वो दे दिए थे या आपके भी दावर की तरफ पैसे रहते हैं? अच्छा, रहते हैं। चले, ये एक बंदे ने अपनी कंटिन्यूटी बना के रखी है ना, क्लियर हो जाना। वेरी गुड यार, देखिए ये मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि सबके साथ ही ऐसे वो कहते हैं कि मैंने किसी को पैसे दे दिए तो वो इमेज उसका खराब हो जाए। मैं ऐसी FIR नहीं कटेगी। चले, छोड़ो इस मसले को, अब आप टीवी में आ गई हैं, टीवी में आपके पैसे फंसे हुए? नहीं नहीं, सब दे रहे हैं, आप फंसते नहीं देती। मैंने ट्रिक बता दिया तो नहीं, अच्छी बात है। कैसे फंसने ना देना कैसा? नहीं सॉरी, मैं ये नहीं बता कि आपको जब पता लगा 3 सीन रह गए तो आपने कब शूट पे नहीं आओगे, पहले चेक भिजवाओ, ये कर रहे हैं। हां, दैट्स द वे टू गो अबाउट इट। अनफॉर्चूनेटली ये करना पड़ता है, बिकॉज ऐसा हमने करके देखा है यार, आप काम खत्म कराएं फिर देख लेंगे, देख लेंगे, फिर हम देखते रहते। नहीं नहीं, फिर हम वो प्रोजेक्ट भी देख लेते, वो खत्म हो जाते, फिर हम कहते बॉस वो, अरे अब बड़ा कहते हैं नहीं नहीं हम पे यकीन रखें, नाज़िश आपने पूरे 5-6 महीने गुजारे। मैंने कहा सॉरी, आई हैव ट्रस्ट इश्यूज। हां बिल्कुल सही है। अच्छा, तो नाज़िश, आप काम को हाँ ना कैसे करती हैं? क्या प्रोसेस है काम को, स्क्रिप्ट को हाँ ना करने का? आप कैरेक्टर देखती हैं, डायरेक्टर देखती हैं, को एक्टर्स देखती हैं, चैनल देखती हैं, क्या सिलसिला है? अच्छा, प्रायोरिटी क्या है अपने स्टार्टअप में ना? हाँ, मेरी प्रायोरिटीज थोड़ी सी कम थी, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास चॉइस नहीं थी ना। स्टार्टअप आपका स्ट्रगल है, अभी भी स्ट्रगल ही है। खैर, स्ट्रगल तो देखे, मैं वो तो रहेगी, आई वुड लाइक टू टेल यू कि स्ट्रगल रहेगी, आप रहेगी, ठीक है ना, इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल। लेकिन अब आके अल्लाह का इतना शुक्र है कि मेरे पास ना थोड़ी सी चॉइस की ऑप्शन आ गई है, क्योंकि मैं अपने आप को वहां तक लेकर आई हूँ कि अब मैं चॉइस कर सकती हूं। हाँ, अब मैं अपनी चॉइस पे बोल सकती। पहले ये था, ये नहीं कि पहले भी हर चीज कर रही है, पहले डायरेक्टर नहीं देखती थी मैं, क्योंकि अच्छा। मैं डायरेक्टर इसलिए नहीं देखती थी इतना कि मुझे लगता था कि मैं अपना इनपुट डाल दूंगी अंदर तो हो जाएगा, वो बेहतर। मैं उसको अभी भी मैं यही कर रही हूँ, अल्लाह माफ करे, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन हर शो में मैं कहकर आती हूँ हमारे कंटेंट बहुत बुरे हो गए हैं। ठीक है, उनको ठीक करते भी हैं तो हमारी ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती,
और फिर जब ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती तो उनको टीआरपी और रेटिंग चाहिए होती है, तो वो ही बनाई जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं। क्या लगता है ये चीज, ये इम्प्रूवमेंट कैसे आई? नहीं आ रही ना, मैं अकेला तो कोई नहीं ला सकता। देखिए आज से 1.5-2 साल पहले मुझे याद है हमारी एक एक्ट्रेस थी, नाम मैं नहीं लेती उनका, उन्होंने कहा कि मैं इंडस्ट्री छोड़ रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंटेंट अनाउंसमेंट। पूछे ही महीने बाद उन्होंने वही ड्रामा कर लिया। आप नहीं चेंज कर सकते बिकॉज यू हैव टू रन योर हाउस इन एनी वे, यू हैव टू रन योर डिजायर्स इन एनी वे। ठीक है, तो जब आप वो चीज ही नहीं छोड़े तो हमारी इंडस्ट्री ऐसे ही चल रही है और इन्होंने ऐसे ही चलना है। मैं भी नहीं बदल सकती, मैं अगर इवन चॉइस पे भी आ रही हूँ ना, लेकिन एक आदमी तो कोई भी नहीं बदल सकता, जो बात सीधी है। और ज्यादा आसान मेरे ख्याल से ये कि अगर आप एक्टर हैं तो बस एक्टिंग करें और घर आए, यही कर रहे हैं। अगर आपको प्रोडक्शन कंटेंट और ये क्वालिटी की टेंशन लगी रह गई तो फिर आप काम नहीं कर सकते। अब रिसेंटली सीन दिस के बहुत सारे अच्छे एक्टर्स जो है ना, उनका इंटरेस्ट बहुत खत्म होता जा रहा है क्योंकि उनका शौक है ना, इन सेंस के जो उनका शौक है ना वो मरता जा रहा है, उनको वो लज्जत नहीं मिल रही जो एक काम से आती थी ना ऑनेस्टली। और वो मैं और आदि और शायद आप भी रिलेट कर सकते हैं बिकॉज़ हम लोग थिएटर से हैं, हम एक परफॉर्मेंस करते थे ना तो उसकी एक लज्जत होती थी, खासतौर पर जब लोग आपसे आके मिलते हैं, चाहे आपके 2 सीन हो चाहे आपके 6 सीन हो, प्ले गुजर जाता था, चाहे आपकी एक एंट्री से क्यों ना उस पे आपको exactly एक फिजिकली तो वो मिल गया रिएक्शन। बहुत सारे एक्टर्स हैं, नाम नहीं लूंगा, जो हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं, जो आगे कहते हैं यार बस अब हम काम करते हैं, बस कहते हैं यार बस कर लो यार, मुझे भी यही करना पड़ रहा है। अब इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, मैंने 9 स्क्रिप्ट्स रिजेक्ट किए हैं। मैं करती आई हूँ और I'm not signing anything अभी तक। अब जब देखो यहाँ पे, अब जब मैं अपना अकाउंट देखूंगी पिछले 3 महीने से वो आहिस्ते आहिस्ते नीचे जाते जाएगा, तो मुझे मजबूरन किसी के एक को हाँ करनी पड़ेगी कि ओके कुछ तो करना है। यही बाकी सबके साथ भी फॉर श्योर हो रहा होगा। वही मैं नाजिश, मेरा सवाल फिर वही है कि हम इसको कैसे बेहतर करेंगे एज एन इंडस्ट्री, हम वेयर शुड वी गो, व्हाट शुड वी डू? नहीं करना चाहते एक्टर, देखो मसला ये आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, काम छोड़ के घर नहीं बैठ सकते। अब आप, अब आई एम श्योर जो आपने 9 स्क्रिप्ट छोड़े वो किसी ना किसी ने तो साइन कर ही लिए होंगे फौरन से, तो वो कंटेंट आएगा तो ना ऑन एयर आएगा तो सही। ओके, सबने किए वो भी, मैं कहती हूं अच्छा चलो सोशल मीडिया पे आके बोल रही होती है, गालियां दे रही होती है उस कंटेंट को, लेकिन देख भी वही रहे होते हैं, बंदा देख वही रहे होती है। लेकिन वैसे भी हमारे आपस में जो सच है, हम लोगों में आपस में इतनी यूनिटी नहीं है, हम 2 एक्टर साथ बैठे होते जैसे ही वो है तो हम कहते हैं जा यार इसका तो तुझे मैं बताऊं ना क्या चक्कर चल रहा है, तो हम लोग आपस में सही नहीं है, तो मुझे लगता है हम अपना काम करें, टाइम गुजारें आगे। अब यही सोचा आप पैसे बनाए बस बन सकते हैं तो काम करें और जाएं। चले मजे मजे की बात करते हैं, मुझे बताएं कि मजा आता है काम करते हुए? अभी यही तो बात हुई, देखें एक तो पहले खास बिल्कुल वो मैंने कोशिश की लेकिन वो वहीं वापस आ गए, मतलब एक तो पहले मैंने बहुत भरपूर कोशिश की खवातीन, अब मैं इतनी कोशिश करती हूँ अपना इनपुट डाल के कि मुझे किसी तरह मजा आ जाए। मुझे ना नेगेटिव कैरेक्टर करने में एक्चुअली बहुत मजा आता है क्योंकि इतना मार्जिन होता है, आप इतना खेल सकते हैं इतना कुछ। ये सब उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं आप नेगेटिव क्यों करती हैं, मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि पॉजिटिव पे आप लोगों ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, 3 किए किसी ने नहीं देखा, अच्छी बात है। ठीक है, देखा भी तो वो उस तरह से नहीं आया, लेकिन नेगेटिव आज से 2 साल हो गए कहीं दीप जले को, आज तक नहीं लोग भूलते उसको, क्योंकि वो उसमें आप इतना खेल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो मजा ना बड़ी बहुत ज्यादा एफर्ट करके देना पड़ रहा है। हाँ। क्योंकि काम करने अपना काम, मैं मेरे साथ ये मसला है कि मैं अपना काम खराब नहीं कर सकती, नहीं केस। अच्छा। तो मैं फिर यहाँ तो डायरेक्टर से मेरी होती है बहस, हाँ। आप प्लीज इसको ऐड करें तो ही इसको ठीक होगा, हाँ वो फिर मैं डट जाती हूँ। कौन कुछ लोग मान लेते हैं कुछ लोग नहीं मानते। अच्छा मेरे बारे में ये चीज है कि मान जाते हैं क्योंकि मैं लॉजिकली समझाती हूँ, साइकेट्रिस होने का थोड़ा सा फायदा, वेरी गुड, दिमाग है थोड़ा सा, ना 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 मैं आपको बता रहा हूँ, आप कह रहे खूबसूरत है इसलिए लोग मान जाते हैं, हमने ऐसी ऐसी लॉजिकल लोगों को दिया, उन्होंने कहा चल भाई निकल, ये बड़ा मसला है इस इंडस्ट्री में, आप खूबसूरत है इस बात को माने, वेरी गुड, मैं मानती हूं। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के और किसी और के सीन्स कटवाए हो? मैं पूछती हूँ, एक से दो दफा मेरे सामने हुआ है, मतलब कि मुझे इस तरह से पता चला कि अच्छा स्क्रिप्ट में है ये किया नहीं हमने, तो उन्होंने अपनी लॉजिक दे दी। अच्छा मैंने आपने भी जिक्र किया जानू बेबी का, डिफाइन करें जानू बेबी क्या होता है, आप जानते हैं जानू बेबी? रात को 3 बजे के बाद इसकी कॉल आ जाए
वो कह रही सेट पे मेरे साथ जानू भी होती है। सेट पे सब इतने क्यूट होते हैं ना, तो अच्छा क्यूट को जानू भी कहते हैं, क्यूट को जानू भी कहती हैं। अल्लाह जानू बेबी, नाइस यार, ये अच्छा लगा मैं जानू बेबी, वेरी गुड। अच्छा आप इस बात में बिलीव करती हैं रात को 2 बजे के बाद सब तोतले हो जाते हैं? क्यों आदि भाई जो है ना वो जानू बेबी ढूंढ रहे, मैं जानू बेबी ढूंढ रहा हूं। जैसे उनको ऐसा कोई मौका मिलता है ना, फौरन कोशिश करते हैं मुझे एक बार एक कुछ हो जाए। वो मेरे साथ तोतला तोतला हो रहा था तो बड़ा मुझे अच्छा लगा, पता चला वो थी तोतली। फिर मैंने कहा सॉरी सॉरी, इस बात पे अफसोस का इजहार किया जाए। अच्छा तो ये वाले मशवरे किसी ने दिए कभी जिंदगी में? आपको पता है हमारा कॉमी खेल है मशवरा देना एक दूसरे को। यार मुझे अच्छा लगता है ना, किसी ने कभी कोई मशवरा दिया ऐसे करो ऐसे नहीं करो, मैनेजर रख लो, यूं करोगी तो आगे बढ़ जाओ, सोशल मीडिया पे ये करो वैसे नहीं करो, तो किसकी सुनी और किसकी नहीं सुनी? किसी एक की भी नहीं सुनी? क्या कहती हूँ यार आप तो बहुत ही मतलब सुन तो सुन के चुप कर जाती हूँ। ठीक है कर लूंगी, लेकिन नहीं किया आपने। क्या कोई मशवरा तो बताया किसी ने दिया हो जो आपने ना माना हो? डिफरेंट मशवरे होते हैं, जैसे कि आपकी पीआर होनी चाहिए आप। अच्छा मैं सब ऑलमोस्ट हाफ इंडस्ट्री को पता है कि मैं ज़्यादा ग्लैमरस की तरफ नहीं जाती। सब कहते हैं फैशन शूट क्यों नहीं, मैं नहीं कर सकती, मेरी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं। ठीक है जो रहेंगी, अब तक रही है 3 साल में, उसके बड़े लिमिटेशंस तो क्या मतलब, मैं समझा नहीं ताल्लुक क्या है इस बात का। फैशन शूट क्योंकि मैंने किया भी ना तो मेरी उसमें लिमिटेशंस ये हैं कि मैं रिवीलिंग नहीं पहनती, मैं स्लीवलेस नहीं पहनती। ठीक है उसमें रह के आप लेकर आए काम, ब्राइडल शूट वगैरह तो चल सकता है। दुल्हन तो तकरीबन मुझे लगता है हर स्क्रिप्ट में बनना पड़ता है कम से कम। हाँ इतनी दफा दुल्हन बन गई हूँ कसम से, ये बड़ा मुश्किल काम। तो ये मशवरे आते हैं, पीआर कितने मशवरे आते हैं, पीआर रख लें ये कर लो वो कर लो। अच्छा क्यों नहीं रखी आपने, वजह क्या है? कभी आपने फॉलोअर्स वगैरह खरीदे? अभी जरूरत नहीं है। तो फिर मतलब आप जब हिट हो जाएंगी उसके बाद खरीदेंगी? अच्छा खासा तो काम कर अभी ऑर्गेनिक आ रहे हैं, आने मुझे लगता है आपकी रियल फॉलोअर्स और रियल ऑडियंस पता क्या होती है, जो आपको बाहर मिलती है। ये सच्चे वाले फॉलोअर्स होते हैं, बाकायदा फॉलोअर्स होते हैं जो आपकी आवाज से पहचानते हैं, ये मुझे हमेशा मिलता है कॉमेंट। ये तो अच्छी बात। अच्छा मुझे ये बताएं आप एक्टिंग कर रही हैं और इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, कभी ऐसे दौरा पड़ा है कि यार ये भी कर लेती हूँ, आरजे बन जाती हूँ, होस्टिंग कर लेती हूँ, नहीं डायरेक्शन कर लेती हूँ, कोरियोग्राफी कर लेती हूँ? डायरेक्शन की तरफ मेरा दिल बहुत करता है। अच्छा। शायद मुझे लगता है मेरे में ये चीज है राइटिंग और डायरेक्शन की, तो निकलवा दें फिर वो, तो शायद करूं 2-3 साल बाद कुछ इतनी और हो जाऊं। कुछ लिखा आपने कभी? हाँ बहुत चीजें लिखी, कोई छोटी सी कहानी अगर आपके ज़हन में सुना दें प्लीज़। नहीं छोटी नहीं है, बड़ी है, अभी रहने दें। हाँ बाद में चलें बाद में। नहीं तो कहानी आपसे रिलेटेड है या आपने बैठ के बनाई है? किसी और के लिए लिखी है, वो वाला मसला तो नहीं कि मैं मेरी कहानी मैं ही करूंगी? नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो बने बहुत अच्छी चीजें। अच्छा, अच्छा वो आपकी थॉट्स होती हैं, जिस तरह की मैंने आर्ट्स भी पढ़ी हुई है तो अब हमें ये सिखाया जाता था खुले आसमान के नीचे बैठो, जो आसमान में नजर आ रहा है ना स्केच इट। हाँ बिल्कुल, तो आपका वो जो सारे आर्ट वाले गुजरे ना इससे, हम तो पता नहीं क्या क्या चीजें बनाते थे, यहाँ बैठो लिख दो हम क्या बनाए भाई। जब स्कूल ऑफ थॉट होता है ना वो मेरा वैसा हो गया, मेरा थोड़ा ओल्ड है, मतलब मेरे लिए रोमांस इट्स नॉट लाइक जो हमारा आजकल चलता है, मेरे लिए ओल्ड स्कूल रोमांस वो दरख के पीछे वाला चक 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 ऐसा, वो बालकनी वाला, वो साइकिल पे आने वाला, क्यूट उस तरह। तो आप आपका इरादा है कभी के कुछ डायरेक्शन करनी है इंशाल्लाह? जब जब सेट पे होते हैं तो जाके आप देखती हैं कुछ टेक्निकल काम के भाई कौन सा लेंस है क्या हो रहा है कैसे शूट करते हैं? हां और मैं कोशिश करती हूं कि सीखने का भी और मैं अपने सीन को भी बनाने की कोशिश करती हूं। ठीक है आई रिस्पेक्ट माय ऑल ऑफ डायरेक्टर्स जो भी वो डायरेक्शन बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट को ना खुद बेहतर पता होता है कि वो किस पोजीशन में, किस बैठने में, किस खड़े होने में और कहाँ क्या बोलने में कंफर्टेबल है। बिल्कुल सही है। तो वो फिर मैं जाके उनसे ना एक रिक्वेस्ट के तौर पे कहती हूँ कि मैं ऐसे करके देख लूँ आपको ठीक लगा तो सही है। सही है ये मेरा काम। अच्छा लेकिन इस सारे प्रोसेस के लिए आपका को-एक्टर्स का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं नहीं जी मैं तो नहीं मानूंगा, तो कब कभी ऐसा हुआ है कि को-एक्टर्स ने तंग किया हो किसी ने? सब जानू बेबी हैं, सारे जानू भी मिल रहे हैं, इनको मिल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे है ना।
और कभी ऐसा हुआ कि किसी और की सजेशन आपने मान लियो कि यार ये तो अच्छी सजेशन दे रहे हैं? अगर अच्छी दे रहे हैं मानूंगी जरूर, मान लेंगे क्यों नहीं। हाँ? ये तो नहीं कहते आपके मेरे सीन में नहीं घुसे। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहती। अगर मुझे अच्छा लगता है वो को-एक्टर जो बैठ के साथ डिस्कस करते हैं कि ऐसे करके देखते हैं, व्हाई नॉट, अच्छी बात है। फेवरेट में सच मैंने किसी कोई भी नहीं, किसी को इतना मुंह नहीं लगा रही है आपके फेवरेट, मतलब बस ठीक है, कोई भी फेवरेट को एक्टर नहीं है, ऐसा कैसे हो? मुझे लगता है कि अगर जो फेवरेट है ना उनके साथ फेवरेट में आप हम नहीं कहेंगे, लाइक अ टिश्यू पेपर एंड थ्रोइंग इट अवे कर रही है। अच्छा चले, आप फेवरेट निकलवाएगा मुझे, फेवरेट को एक्टर ना करें, आप बोले भाई मैं इनके साथ कंफर्टेबल हूं, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, आसान कर लेते हैं कंफर्टेबल। अच्छा मैंने जिन जिन के साथ काम किया ना वो एक कंफर्ट जोन आ ही जाता है, नहीं ठीक है। हाँ। तो वो कंफर्ट जोन के लिए एफर्ट आप करती हैं या आप देखती सामने वाला एफर्ट क्या कर रहा है? मैं जरा ज्यादा एफर्ट करती हूं, कैसे करनी पड़ती है एफर्ट, मैं स्वीट रहना पड़ता है मुझे थोड़ा, क्योंकि हमारे स्क्रिप्ट में ना सीन हर तरह के होते हैं, कभी रोमांस करना पड़ता है, कभी झगड़ना पड़ता है, कभी किसी की बीवी बन जाता है आदमी, कभी किसी की दोस्त, तो वो अगर आप उसको फेक करें तो वो पता चल जाता है, ठीक है ना? तो ये और मेरा काम खराब होता है उससे, वो मैं होने नहीं देती। तो फिर वो कैसे आप करती हैं केमिस्ट्री, मैं जानना चाहूंगा। अच्छा एक ना छोटा सा किस्सा है, हाँ वाक्या कह लें कि मैं ड्रामा कर रही थी, तो नाम ले सकते हैं ना? जी जी जी, आप उसका बजट बता दें। अलीबास बहुत अच्छे एक्टर है, जी जी बहुत अच्छे एक्टर है, मैंने आदमी बंदा सब कुछ बहुत अच्छा है, वो अच्छा बेटा, भाई मेरा दोस्त। मैंने उनके साथ एक दफा काम किया है, नहीं एक दफा नहीं किया, दो दफा की है, लेकिन मुझे एक दफा बहुत हमारी बात हुई। अच्छा मेरी और अली के ना, अब बहुत से लोगों को ना अभी रिसेंट भी एक शो में ना मैंने सिर्फ इतना बोल दिया, मुझसे पूछा कि आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आया आफ्टर सेलिब्रिटी और क्या चीज है जो आपको करनी पड़ी। मैंने कहा मुझे ये करना पड़ा कि आई हैव टू बी क्यूट लाइक 24/7 व्हिच आई कैन नॉट प्रिटेंड नहीं कर सकती, ऑनेस्टली मैं नहीं कर सकती। और अच्छा वो जी सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें बनी, वो तो लोग आपको पता है नाजिश का ये बिहेवियर, अरे नाजिश का कोई बिहेवियर नहीं है, जस्ट लाइक आप 24 घंटे एक जैसे नहीं रह सकते, आई एम अ स्वीट पर्सन, मैं हंस नहीं सकती हर बार। तो सेट पर ना तो मैं बड़ी नॉर्मल होती हूँ, ये भी नहीं कि सड़ी हुई लग कमरे में बैठी हूँ, नॉर्मल हंसती खेलती तैयार हुई, चाय पी, फ्रूट काट के खा। ठीक है, अली के साथ ना एक ड्रामा पूरा खत्म हो गया, खत्म हो गया, अब अगला ड्रामा हम करने लगे। अब उस ड्रामे में थे हस्बैंड और वाइफ और हमारी ना केमिस्ट्री बिल्डअप नहीं हुई, मुझे मज़ा ना आए, ठीक है। तो चार दिन, एक दिन, पाँच दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ते गुजर गए, मुझे लगता है दो हफ्ते गुजर गए, मैंने अली को बुलाया, ठीक है, मैंने कहा अली वी नीड टू टॉक, वी नीड टू हैव अ वर्ड, ठीक है। अच्छा बैठा वो और मैंने उससे बैठ के डिस्कस किया क्या मसला है, क्या हुआ है, तुम मेरे शौहर क्यों नहीं बन पा रहे। उसने फिर मुझे मसला बताया जो कि मेरे अंदर था। अच्छा? मेरी पर्सनालिटी चेंजेस थी कि तुम एक टाइम पर कुछ और होती है, एक टाइम पर कुछ और होती है, समझ नहीं आती तुम्हारी कि तुम्हें कैसे ट्रीट किया जाए, मतलब तुम्हारे से ज्यादा मजाक किया जाए या तुम्हारे से बिल्कुल खामोश जाए, तो मैं ना तो चुप ही कर गया हूं। हाँ। फिर बैठ के हमने डिस्कस किया क्योंकि हमने पूरा एक प्रोजेक्ट करना था और वो केमिस्ट्री लोग आज तक नहीं भूल पाए मेरे पास की। तो मेरे साथ ये एक वाक्य रह चुका है कि मैं मुझे ज्यादा एफर्ट इसलिए करनी पड़ती है कि लोगों को मेरी पर्सनैलिटी चेंजेस लगते हैं कि ये थोड़ी सी कम बोलने वाली है, शायद शक्ल थोड़ी ऐसी है या एक्सप्रेशंस कोई ऐसे हैं मेरे शक्ल पे आज तक मुझे पता नहीं चले, लोगों को लगता है रूड है, तो मुझे बहुत। तो कभी कभी सोचा आपने कि मैं इस चीज को चेंज करूं? क्या चेंज करूं, हंसती तो हूं। नहीं, फॉर एग्जांपल जैसे अली ने अगर बोला या और लोगों तो ने मैंने अली के साथ या दोस्तों ने अगर बताया कि जी आपको जो पहला इंप्रेशन है वैसा लगता है बंदी बहुत ज्यादा रूड है, इसका पता है क्या हल निकला है? एक अनटिल अनलेस लोग मुझसे बात ही ना कर लेते फिजान, वो यही अपना रखेंगे। अच्छा, अब यू डोंट वरी अबाउट इट, मैं क्या करूं? लेकिन देखिए अगर उनको आपका मुंह ही ऐसा लग रहा है कि वो कहे यार जाऊंगा तो गाली दे देगी, तो कैसे फिर बात करेगा? मैं अपना मुंह तो नहीं चेंज करा सकती ना, सुभान हां, जैसे कि काफी लोगों ने करा लिया है, लेकिन जो मुझे जानते हैं यार मुंह नहीं जरूरी, देखिए बात मजे की होनी चाहिए, वो मुंह नहीं होता। अच्छा क्या होता है? वो तो होंट, गाल, नाक होता है, मुंह ही होता है ना, मुंह तो पूरा होता ही होता है ना। स्ट्रेचेस लगवा लेते हैं कैसा? अरे ये गल्ले निकले हुए हैं, एक सेकंड, ये वाला मशवरा दिया किसी ने कभी? ये नहीं, तो मशवरे होते हैं ना, आई लव माय फीचर्स, थोड़ा सा नाक को ऐसे कर लो, थोड़ी सी थोड़ी ऐसे कर लो, आई लव माय फीचर्स, मैं इनको कभी छेड़ ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। गुड, बहुत अच्छी बात है, ये तो नहीं करना चाहिए वाकई, कभी भी नहीं छेड़ सकते। लेकिन ये आपको क्या लगता है, फीचर पसंद है ये, आपको क्या लगता है जो लोग कराते हैं ये क्या उनके दिल में क्या होता है जो? अच्छा मुझे लगता है कि इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई बात नहीं, उनका दिल करता है कर ले, उनको लगता है सूजे होंठ सही है, उनको अच्छे लगते होंगे, लेकिन अगर वो आप पे सूट नहीं ना करे फिर ना करें, ज्यादा बड़े ना करा ले, ना करें। अब मेरी आंखें पतली, नाक पतला, मैं होंठ इतने बड़े लेके फिर रही होंगी, वो बबून की तरह, बबून की तरह होंगी। हाँ असल में उसमें चीजें पकड़ने में आसानी होती, आम खा रहे हैं, आम ग्रिप में पकड़ लेता बंदा, होंठ आपके
खुले हुए एक्सपीरियंस हुआ आपका? हाँ हाँ मैंने देखे बहुत सारे। वेल डन यार, थैंक यू यार। आई वाज अ डॉक्टर बैक स्टेयर ना, मैं चाह रहा हूँ तुम थोड़ा दूर बैठो, बहुत बुरे लग रहे यार कसम से। आज आज लग रहा सालन पड़ा था बहुत सारा दूर सोच के, एक ने बड़ी बीची वाइब दी, मैं तो एक ने कोई मैं फेक बीची हूं। वो बीच वो बड़ी बीच समरी भाई आपकी, जरा कोई वो फेक नहीं, नहीं फेक कपड़े नहीं पहनता, फेक कपड़े नहीं पहनता मैं, फेक नहीं है। फिर क्या सोच रही है? 100% फेक बिल्कुल। देखिए ये हम लोग आजकल इन चीजों को ना बड़ा वो कोशिश करते हैं प्रमोट करें। हाँ। लड़के ना बहुत सादे कपड़े पहनने लग गए और लड़कों को मसला हो गया जरा इस तरह की चीजें पहनने, तो आजकल हम अपने शोज ना में पहनते हैं। लड़के क्यों नहीं पहनते? लड़के तो कई बार नहीं पहनते, मैं लड़कों को देखा है लड़के नहीं पहनते चलो मैं हमारी कोशिश होती है कि जैसा मौसम हो वैसे कपड़े पहने, कपड़े पहने। नहीं नहीं अच्छे लग रहे हैं दोनों, साथ में पता नहीं लेकिन अलग अलग। हमने इसी शो पे सूट भी पहने जब सर्दी थी, हाईनेक्स भी पहने, लेकिन अब मौसम ऐसा है कि ये रैप जो सुना मैंने शुरू में ये अब बने शुरू से था जी, शुरू से मौजूद शुरू से ये मेरी प्लेलिस्ट में ऐड हुआ है अभी। अरे ना करें ऐसे, नहीं इतनी इज्जत लोग हैं, इतनी इज्जत ना वापस ले, इतनी इज्जत अनलाइक करो। नहीं नहीं आप रखें लेकिन पैसे दे दें उसके, कॉपीराइट्स का मसला है ना आपको पता है। अच्छा मुझे ये बताएं आपको डांस आता है? कभी किसी दोस्त की शादी में डांस किया हो? किया पर बड़ी फनी लगती है हमेशा, ये कमेंट फनी लगती मतलब नहीं आता ना से शादी में वापस क्यों क्यों पहले लोग कहते प्लीज यार प्लीज, अच्छा कम तुम वापस आ जाओ, ये इशारा कर रही होती मेरी दोस्त, ये कैसे दोस्त है यार। तो कभी इंडस्ट्री में आके ऐसी सिचुएशन आई जहां जरा वो नहीं होता टाइटल सॉन्ग के लिए या किसी चीज के लिए डांस करना पड़ गया हो? अच्छा ड्रामों में तो नहीं होता, ड्रामों में सच कोई डांस नहीं होता, वो तो यही होता है एक मुंह होता पीछे से यूं निकलता है टाइटल पे, है ना? आपने निकाला दो तीन बार हमारे टाइटल भी एक जैसे होगा हर ड्रामे में, ये होता है कि एक बच्चा एक लड़का है उसके पीछे एक लड़की है या एक लड़की उसके पीछे दो लड़के हैं। ये क्यों कहा है कि पीछे से मुंह निकल रहा है? तो आगे से भी निकल सकता है चले। अच्छा मैं आपको मजे का बताऊं, इसने कुछ नहीं देखा होगा और अभी भी यही तो टाइटल यूट्यूब है। अच्छा अभी ऐसी हुआ है तो मतलब मुझे मुझे एक बात बताए ना, अगर नाजिश एक बात बताए चले आप का ट्रांजिशन का मूड है फिल्म की तरफ, अगर कोई बोल फिल्म ऑफर कर दे अच्छी हो तो। अच्छा अच्छा अच्छी मैंने एक की तो ऑफर हो गई। हां एक की तो है, की है कौन सी? लफंगे, लफंगे आ गई है जबरदस्त। उसमें डांस वगैरह नहीं था? किया ना, उसके टाइटल पे क्या बड़ी बहस हुई, अभी इतनी बहस हुई यही कि मुझे डांस नहीं आता। तो आप सीख लें, पहली चीज सीखा फिर नहीं कुछ अच्छा सीखा और किया, अब मुझे नहीं पता वो ऑन स्क्रीन कैसे आएगा। अच्छा आएगा, अब वो एडिट होगी, सब कुछ रेडी पड़ा हुआ है और वाहिद में हूं जो देखने नहीं गई। क्यों डर लग रहा है आपको? अरे तो देखें अपने आप को फेस, इसकी अकलमंदी ये है कि आपके पास तो मौका है जाके देख लें, अगर अच्छा नहीं हो तो दोबारा अटेम्प्ट कर लें, इसमें क्या है? तो लेकिन सब कह रहे हैं इट्स नाइस, मैंने कहा ओके लेकिन नाइस कह रहे हैं। अब इस सब में कौन लोग हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि सच सच सारी टीम टीम तो शायद आपके ख्याल के लिए बोल रही हो सकता है टीम तो शायद इसलिए कह रही हो ना पैसा लगा करेंगे टाइटल पूरा शूट हुआ है। तो मेरा मेरे मेरे सवाल का मकसद सिर्फ ये था क्योंकि फिल्म्स में हमारे आपको पता है डांस होता है, चाहे वो बाकायदा वो मेहंदी वाला डांस भी ना हो लेकिन मुनासिब से डांस तो होता है। अच्छा सीखने के लिए तैयार है? हां हां इसमें भी सीखा ही था और इसमें मुझे इतनी एक दो रिस्ट्रिक्शंस भी तोड़नी पड़ी जिससे मैं इतनी कोई खुश नहीं थी, लेकिन वही बात है मेरा काम था तो मुझे थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ा। तो फिल्म के लिए ना मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा और प्रिपेयर होना पड़ेगा। अभी मैं हूं नॉट द राइट वर्ड, हम उसको एडेप्टेशन कहते हैं, आप थोड़ा एडेप्ट कर सकते हैं चीजें। एग्जैक्टली थोड़ा सा सीख लें, थोड़ा और उतनी हो जाएं, अपने आप को उतना कंफर्ट जोन में ले आएं, फिर आप फिल्म भी कर लेगा। इधर ही इन्होंने कहा अच्छा अपना काम आप देखती हैं वैसे? हां हां। तो उसको कितना क्रिटिसाइज करती हैं? अच्छा जहाँ बुरा होता है वहाँ होता है, जहाँ अच्छा होता है वहाँ खुद देख के हंस रहती हैं ये अच्छा किया, और बुरा कैसे पता लगता है? ऑनेस्ट रहती हैं जब मुझे फील हो रहा होता है कि यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर सकती थी कर सकती थी। तो वो नहीं होता, वैसा नहीं हुआ होता। कुछ हमारे एडिटर्स भी उसको इधर उधर से लगा देते हैं, मतलब इतना अच्छा आपने हाँ कर देते हैं बर्बाद, है ना? सीन आपका होता है सोलो किसी और के चल रहे होते हैं जी, इतना आपने एक्सप्रेशन बचा के रखा होता है कि आपने ये इस लाइन पे देना, वो मास्टर लगा कहीं और चला जाता है। अच्छा अपने साथ जो पीयर्स हैं उनका काम देखती हैं और एक्ट्रेसेस का काम देखती हैं? नहीं देखती जिनके साथ काम करने वाली होती हूँ? नहीं नहीं जनरली कि भाई और कौन कौन क्या 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 हो रहा है इंडस्ट्री में, जरा देखो। इतना नहीं देखती? नहीं देखती आप? नहीं इतना देखती हूँ ये नहीं कि बिल्कुल नहीं देखती, बहुत कम। अपने अलावा और कौन एक्ट्रेस पसंद है आपको आजकल के दिनों में? मुझे अच्छा मेरी ऑल टाइम फेवरेट तो सजल है, ठीक है वो रहेगी बिल्कुल सही, ठीक है। आपके मैं कहूँ अगर आप बोले एक दो नाम बता दें, दो लड़के अच्छे जो बहुत काम कर रहे हैं मुझे रीसेंट लड़कों में से, एक तो बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास आई रियली वांट टू वर्क विद हिम। ओके बिलाल प्लीज, ओके बिलाल देख ले, पता है बिलाल को? ठीक है ना बिलाल को पता है? पता होगा, ऐसा ना हो बिलाल मुझे फोन करना पड़ेगा। बिलाल बस कह दिया हमने, ठीक है ना? अब आंखें नहीं, आंखें आगे
मैंने एक्टिंग देखी रिसेंट बहाजली तो माशाल्लाह मैंने उनका काम फितूर में देखा उनके ड्रामे में. मैं इतना फॉलो नहीं कर पाते ठीक है. What a brilliant actor. तो अगर मैं आपसे कहूँ वहाज के साथ काम करना है बिलाल के साथ तो आप क्या करेंगी? क्या मतलब क्या दोनों के साथ काम करो? नहीं नहीं कोई एक नहीं नहीं एक पहले प्रायोरिटी क्या है? वहाज बिलाल के साथ. सॉरी वहाज तुमने कहा नहीं, नहीं, वहाज के साथ भी नहीं, लेकिन पहले तो बिलाल कह दिया ना. हाँ क्योंकि बिलाल बड़ी नेचुरल एक्टिंग करता है. वहाज नेचुरल एक्टिंग नहीं करता. हमारे वहाज प्लीज थोड़ा नेचुरल थोड़ा सा कर लो ताकि आपके साथ काम कर सके. अभी आपका स्क्रिप्ट मिस हुआ है सिर्फ ये सब. अब ये इन्होंने साइन करते करते इन्होंने कहा नहीं बिलाल वाला कर लो उस दिन का है नेचुरल थोड़ा करो. तो गुस्सा कर जाए तो इसलिए वो रोने लगता है. फिर प्यार से समझाओ. मिस हो गया ना कोई बात नहीं उसने अब करना ही नहीं काम. उसने कहना है इसने मुझे नहीं नहीं वहाज बहुत अच्छा लड़का है. इतना माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का है. मुझे रीसेंट मैंने जो काम देखे है ना मुझे इन दो लड़कों के और लड़कियां दो लड़कियां दे कौन तो सज्जल हो गई. सज्जल तो कह रही ना ऑल टाइम है ना. वो तो ऑल टाइम वो रहेगी. वो मुझे लगता है कोई लेकर आई है अपने अंदर खुदा की तरफ से गॉड गिफ्टेड. मुझे वैसी लगती है. और कोई दो नाम बताएं. दो नाम लड़कियों के इस पर जो आपको लगता है मेरे साथ अच्छा काम कर रही है. ठीक है इसके अलावा एक भी नहीं आ रहा जहन में. मैं अपनी ही सबसे फेवरेट हूँ. करीना का वो चल रहे हैं पता क्यों. अच्छा चले दो नहीं क्यों? एक बता दें. अच्छा काम जो कर रही है एक बता दें. दो कर लो दो छोड़ दें. मैं यहाँ पे एक बात करना चाह रही हूँ कि मैंने ना फैजान देखा नहीं है काम. अभी मैं सिर्फ एक ड्रामा फॉलो कर रही हूँ उसमें मायरा खान है. हाँ, वो भी एक्ट्रेस है. उनको मैं रिसेंट में तो नहीं ला सकती ना. ठीक है ठीक नहीं, आपने तो रिसेंटली देखा है ना. नहीं कोई आपने प्रोजेक्ट किया जिसमें को आपके साथ काम करा होगा यार ये टाइट कर रही है. है कोई किसी ने इंप्रेस किया हो? कोई मुंह ही नहीं लगा रही किसी का. इतनी सारे मुझे लगता है मैं सबूत है यमुना है. सबूत के साथ मैंने काम किया ही नहीं. यमुना है. यमुना भी फिर वो उन्हीं में से आ जाती है ना. इकरा है. इकरा भी अच्छी एक्ट्रेस है. अब सवाल अच्छा, कर दी चलाकी असल में इसको हम लोग कहते हैं जिसमें ये अच्छा चले आप तारीफ कर दो जल्दी. नया पुराना छोड़ दे. अच्छा हाँ नया पुराना छोड़ देते हैं. आप दो नाम बता दो चले. हाँ ये जिनके साथ मैंने काम नहीं किया. कोई बात नहीं किया और नहीं किया. सजल एक सजल दूसरी सबा कमर सब. अरे खत्म इतनी सी बात थी. नहीं वो सवाल था कि आपने जिनके साथ काम किया. जिन जिनके साथ मैंने काम किया ना उसमें मैं अपने आप को प्रायोरिटीज तो रखती हूँ कि मैं अपने पे गौर करती हूँ. बिल्कुल ठीक है बस इसीलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगी. वेरी गुड. आप दूसरों के साथ काम करें और अपने पे गौर करें इसमें कोई बुरी बात नहीं है. और वहाज अपना काम वहाज प्लीज थोड़ा नेचुरल हो जाओ. तुम फेक लग रहे हो पता है. कैसे बिलाल को मिल गया? हाँ क्यों आ गया? प्यार से जानू बेबी बनके मजेदार शो. मेरे साथ मौजूद है आजय दिलमजा. तुमके साथ मौजूद है नासिर जहांगीर. अब हम खेलने लगे दिस और दैट. मजेदार होगा कुछ यूं कि आपसे एक सवाल होगा उसके दो ऑप्शन होंगे. आप अपना ऑप्शन नहीं दे सकती. जब हम आपसे कहेंगे तो आप अपने जो ऑप्शन चुना है उसको आप एक्सप्लेनेशन देंगे कि आपने क्यों चुना. अपना डायलॉग बोले जो आपने पहले बोला था. जस्टिफाई करना पड़ेगा मुझे यहाँ भी हर जगह जस्टिफाई करना पड़ेगा. अच्छा जी पहला सवाल वेब या फिर टीवी. थोड़ा सा जल्दी करेंगे. टीवी फॉर नाउ. ओके एक्टिंग या फिर मॉडलिंग. एक्टिंग. ओके थिएटर या फिर टीवी. टीवी. सिंगिंग या फिर डांसिंग. नहीं एक तो करना पड़ेगा. ये तो मेरी कहानी के आप जवाब ना दें. आपने अच्छा कर दिया हमारे साथ. वेरी गुड. वेस्टर्न कपड़े या ईस्टर्न कपड़े. देखा मैंगो वाले लोग सही होते हैं. मैंगो यार गुड. पंजाब वालों को मैंने चेक किया मैंगो में फिक्स है. नहीं वैसे ही मैंगो. अच्छा ये होता है मैंगो काट के या मैंगो वो नरम करके चूस. नहीं नहीं मुझे काट के ज्यादा से क्यूब्स पे ना. बिकॉज़ यू आर फ्रॉम इस्लामाबाद दैट्स व्हाई यू डोंट लाइक डॉटी स्टफ. आई एम नॉट रियली बर्गर बट स्टिल. बट स्टिल ना आसानी रहती है खाने में. आसानी. अच्छा तुम भी ऐसे ही खाते हो. हां मैं ऐसे खाता हूं मुझे अच्छा लगता है. अच्छा जी यासिर हुसैन या आमिर लियाकत हुसैन. यासिर हुसैन. हां क्या मतलब था. नहीं हां क्यों किया आपने शुरू में. क्या आमिर लियाकत हुसैन में कोई कमी है. यासिर हुसैन क्यों और आमिर लियाकत हुसैन क्यों नहीं. व्हाई यू आर चूज व्हाई
Tell us. Yasir Hussain is a good writer. He's a good writer. और आमिर लियाकत हुसैन सर वो लिखते थोड़ी हैं। आपकी सोच है। अरे वो क्या क्या लिखते हैं? बहुत अच्छा लिखते हैं वो। मेरी रिसर्च अच्छी नहीं थी उनकी। चलें कोई बात नहीं, it's all right. जुनैद खान या समी खान? जाने की जिद ना। ये बड़ा अजीब सा सवाल है। जी जी अजीब सा तो है। अजीब से तो हम दोनों भी लग रहे हैं। सॉरी समी बट जुनैद। समी भाई। बट समी के साथ मैंने समी का मसला बताया। मुझे समी भाई का मसला बताया। मुझे बताया। मैं समी को मैसेज करके खुद बता रहा हूं। नेचुरल जैसे वहाज वाला मसला है ना, आप भी थोड़ा नेचुरल करो। ये जो वीडियो गेम खेल रहे थे ना आप, थोड़ा नेचुरल कर लो। हां जुनैद इज बेटर। रह गए ना यही बात। नो समी इज बेटर टू बाय द वे, ही वाज माय को स्टार। बेटर टू वन समी अच्छा नहीं है, बेटर टू। हां ओके। अच्छा देसी खाना या अंग्रेजी खाना? ये भी डिपेंड करता है पर देसी खाना। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? कौन है ये? मूड पे ना, मूड पे। हर टाइम तो देसी कढ़ाई नहीं खाती। प्रेफरेंस होती है ना कि भाई मेरी प्रेफरेंस ये है, मूड पे तो ऑब्वियसली देसी ना। कढ़ाइयां कुड़ुइयां। ओह ओके। अच्छा जी घमंडी या फिर बेरुखी? शी इज अ स्माइल, दैट्स व्हाई शी इज अ स्टार। ओके क्योंकि मेरा ड्रामा चल रहा है बेरुखी से बेरुखी। दो बेरुखी। ओके ठीक है, जो चल रहा है उस पे भरोसा करते हैं। वेरी गुड। अवार्ड्स या नो अवार्ड्स? इन्होंने हर जवाब से पहले ना एक अपनी साउंड बनाई। अच्छा ये इसका ना मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं पहले एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ जवाब देने से। अब मैं एक्सपीरियंस करूंगी फिर बताऊंगी। नहीं मतलब प्रेफरेंस क्या है, अवार्ड्स मिले या ना मिले? मिले अच्छा लगता है। मिला अच्छा लगता है, मिले अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, आप मुझसे मिले मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप मुझसे मिले मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी हिबा बुखारी या मरियम नूर? अच्छा जी मोहसिन अब्बास हैदर या फहद शेख? मोहसिन अब्बास हैदर। ओके फहद शेख क्यों नहीं बताए मुझे यार? तुम्हें तो पता छोड़ क्योंकि मैंने मोहसिन के साथ दो प्रोजेक्ट्स किए हैं एंड वी आर गुड ठीक है, लेकिन मुझे फहद का मसला पता है। मुझे भी पता है नेचुरल नहीं हो रहा थोड़ा सा शेख, थोड़ा सा नेचुरल कर। शेख साहब आप क्रिकेट खेलते हैं? फहद बहुत अच्छा। ये अब हर दफा कवर मारा है आपने, समी के लिए भी आपने, वहाज के लिए भी लगा दे दिया। ही इज द बेटर टू फहद की बात। समी भाई वहाज और फहद शेख थोड़ा नेचुरल कर लें तो बेहतर है। और बिलाल अब्बास और मोहसिन अब्बास फहद को भी ना मैं रूड लगती हूं। जुनैद खान हां हां आप लगे रहो, वेल डन। अच्छा जी ठीक है, साइकिल या फिर बाइक? साइकिल मैंने रीसेंट सीखी है, सो साइकिल, बाइक नहीं आती। अच्छा खुद ही एक्सप्लेनेशन दे रही है, हम तो पूछ नहीं रहे। खुद ही तो कहा था एक्सप्लेनेशन भी देनी है। जब मांगेंगे तब आप। व्हेन वी आर से द वर्ड यू, हमने एक दफा भी नहीं मांगी और आप खुद ही बताए साइकिल, क्योंकि मैंने अभी सीखी है। चले साइकिल ठीक है, बाइक नहीं आती नहीं है। नहीं चलाने की बात ही नहीं की हमने, फिर भी नहीं। फिर भी नहीं। बस या रिक्शा? बस। बस या रिक्शा क्यों नहीं? आवाज होती है उसकी बड़ी। बस तो हमारी मुंह में बैठा होता ड्राइवर। बस प्यारी भी होती है। रिक्शे से कम ही आवाज होती है। बस की आवाज रिक्शे से कम होती है। एग्जैक्ट। अरे कैसे? ओ रिक्शे की बहुत आवाज होती है। अच्छी बस नहीं देखी फिर आप लोगों ने शायद? आपने शायद सीएनजी वाला रिक्शा नहीं देखा है। रिलैक्स गाइस, कमेटी वाली और की लड़ाई है। ओके आप बस में जाएं, आप रिक्शे में जाएं। हां मैं तो रिक्शे में हूं भाई। गुड। रिकॉर्डेड शोज या लाइव शोज? रिकॉर्डेड। ननियाल या फिर ददियाल? है नहीं गए हुए मुझे लगा दानियाल बोला है। दानियाल नहीं, ननियाल या दानियाल? दानियाल तुम्हें भी थोड़ा सा थोड़ा नेचुरल करो। अच्छा ननियाल, ननियाल या ददियाल? सही बात है, घर नहीं वापस जाना मैंने। अच्छा भाई ठीक है, लेकिन तो एक जवाब तो देना पड़ेगा, ननियाल या ददियाल? एक प्रेफरेंस होती है आदमी की। ददियाल। ददियाल क्योंकि ननियाल वाले नेचुरल नहीं है। काला ननियाल वाले नेचुरल नहीं है। अब उनकी अम्मा की बात ना, अम्मा पास्ट अवे तो उनसे मेरी इतनी रहनी, एक खाला बची है मेरी बस। खाला इट्स लाइक अम्मा टू मी। ओके लेकिन ददियाल में सारे अभी भी आसपास घूमते हैं। अच्छा आपकी खाला, आपकी खाला छोटी है? अच्छा नहीं हुआ ना, वो छोड़ दो। फ्रेंड्स या फिर कजिन्स? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ओके। सुहेल जावेद या फिर मोहसिन मिर्जा? मैं जा रही हूँ शो छोड़ के। नहीं नहीं करना तो पड़ेगा। शो छोड़ के कैसे जाएंगी आप? सुहेल जावेद या मोहसिन मिर्जा दोनों बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उनमें से एक होगा जो नेचुरल नहीं होगा, अभी देखना। इतना जोर से उन्होंने दोनों ने मुझे इतना बर्दाश्त किया और दोनों ने मेरी सुनी है जैसे जैसे मैंने उन्हें कहा। नाम एक ही देना है फिर भी। फिजान की बात नहीं अच्छी, मैं नहीं खेल रही ऐसे नहीं। दोनों अच्छे हैं, मैं इनके नाम लग रहा है। मुझे लग रहा है केजी टू के बच्चे के साथ नहीं। नो एक नाम देना पड़ेगा, एक दे दे नाम।
शो के लिए सर दे रही हूँ मैं जी, हाँ जी जी यही हम कवर रखेंगे, सिर्फ शो के लिए दे रही है बस। बताइए नाम बताइए। सुहेल जावेद या तक के बेरुखी ऑनियर है, या तक के इन्होंने कहा कि जुनैद खान बेहतर हैं, लेकिन डायरेक्टर सुहेल जावेद क्योंकि मैं मोहसिन मिर्जा की तारीफ ऑलरेडी बहुत कर चुकी हूं, तो उनको नहीं 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 होता ऐसा नहीं होता। मैं मोहसिन मिर्जा को पर्सनली भी जानता हूं। अच्छा हां, वो उनका असल में है ये कि वो जरा नेचुरल। अच्छा जी, फैसल कुरैशी या हुमायूं सईद? बड़ा आसान है ये तो, कम ऑन, बड़ा आसान है। क्या अफसोस, क्या दोनों जिंदा हैं? ये तो मैंने बिल्कुल आपको दोनों जिंदा हैं भाई। हुमायूं से क्योंकि फैसल भाई का एक मसला जो मैं और आदि इतना मैंने फैसल के साथ काम किया हमने उनके साथ, तो आदि भाई क्या मसला है? नेचुरल नहीं हो रहा आपसे। ये लिस्ट बढ़ती चली जा रही है ना, इस लिस्ट में आ गए समी भाई, फैसल भाई, वहाज, फहद शेख और मोहसिन मिर्जा साहब, और आखिर में फैसल कुरैशी। मैंने पहले बोला ये सबको कटा रहे हैं। अच्छा जी, शाइस्ता लोधी या साहिल लोधी? नहीं भाई, साहिल लोधी मैंने बोला ही। फिर ये क्या था, शाहरुख खान? शाहरुख खान मैंने पूछा। शाहरुख खान या शाइस्ता लोधी? ले आप साहिर भाई को बीच में, चले आप साहिर भाई कर ले यार, मैं तो शाहरुख खान चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा उनको एक दो दफा ये करते हुए। अरे वो तो शाहरुख खान को, वो तो इस तरह तो गल्फ में जाता, हर बंदा ये कर रहा होता है, बाजी ये वाला चेक करे। बड़े चक्कर लगे हैं आपके गल्फ। मुझे एक बात बताएं, आपने तो शाहरुख खान का, आपने इस पे साहिर भाई को क्यों किया? मैंने इस पे शाहरुख कहा था, साहिल नहीं कहा था। आपने कहा था साहिर भाई, मैं तो कहा शाहरुख। क्योंकि शाइस्ता लोधी यार सही वाला नाम नहीं, फिर मैं जवाब दूं। अच्छा शाइस्ता लोधी या खुद भी तो बोलो ना, साहिर लोधी। अरे हम तो बोल रहे हैं भाई, शाइस्ता लोधी या शाइस्ता लोधी। शाइस्ता लोधी। खाना पकाना या खाना खाना? बनाना। खाना बनाना बनाना, अरे केला वगैरह, केला बनाना, मैंगो बनाना, खाना पकाना। क्या क्या बेहतरीन चीज क्या बना लेती हैं आप? आलू गोश्त। आलू गोश्त इंग्लिश में? चलें आलू गोश्त की रेसिपी जरा जल्दी से बताइए। हैं कैसे रेसिपी, कैसे बताऊं मैं? मुंह से मसाला भुने, मसाला भुने, कटाना नहीं हमको, कटाना नहीं मैं। क्या मतलब मसाला भुने, मसाले में डाला क्या इसके फिर एक्स्ट्रा पैसे ना लूं मैं? मतलब यहां पे क्या खाने वाला चैनल ये वाला, आपको पता ही नहीं है ये वहां भी चलेगा, आपको नहीं अंदाजा। बाकी जल्दी से बता दें, जल्दी से सारी खवातीन को पता है क्या मसाला होता है। वो मसाला भुने है ही नहीं, ये तो मर्दों को बता रहे हैं भाई। मर्द प्याज काटे, टमाटर काटे, मटन डाल, मर्द प्याज काटे, मर्दों को काम पे लगा दिया। आलू गोश्त ना, तो आलू गोश्त में मटर कहाँ से आ गया? मटन, मटन डाल, मटन, हाँ मटन डाले, उसके अंदर मोटी मोटी प्याज डाले, मोटी मोटी टमाटर डाले, सारी मसाले मैंने उतारी, मोटी मोटी प्याज आ रही है। आप बहुत जल्दी जा रही है, लोग चाहते हैं कि लोग सुने और पकाएं। प्याज डालिए, पहले आप लें प्याज, टमाटर डालें, सारे मसाले जिसमें गरम मसाला, नमक मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया। अगर मसाला ठंडा हो तो उसको गरम करके डाल। अच्छा मैंने सुने गाली भी दे दी। रिलैक्स। अच्छा ठीक है गरम मसाला डाल दिया, सब डाल के मटन डाल के ऊपर प्रेशर कुकर दे दें। अरे नहीं, ये आपने काम किया ना पंजाब वाला। हाँ तो और क्या, मटन कैसे के प्रेशर कुकर नहीं यूज करते? मेरी माँ कहती है जेड़ी कुड़ी मथो लांदी है ना खाना, वो कुकर सवाल करती है। कुकर नहीं कच्चा पपीता भाई, मर्जी है ना, कुछ लोगों की मर्जी होती है। नहीं, जो लोग नेचुरल चाहते हैं ना वो कच्चा पपीता डालते हैं। चले ठीक है, अच्छा जी, फ्रेंड्स या फिर कोलीग्स? Friends. मतलब कोलीग्स में दोस्त बनते या नहीं बनते? काम की हद तक, काम की हद तक, मतलब खुदा हाफिज़ हुआ तो फिर कट गए, मतलब फिर कोलीग्स ही रहे ना, दोस्त तो नहीं बने ना फिर। हाँ, तो मैंने कोलीग्स ही रहे। हाँ ठीक है, सही है, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं। आज मैं दो इम्पोर्टेंट सवाल, एक आप पूछेंगे एक मैं पूछूंगा, ठीक है? तो पहले आप पूछे फिर मैं पूछूंगा, क्योंकि लेडीज फर्स्ट। स्कूल वाला याद आ गया, सॉरी। चलो अच्छा, मैं आपसे अब जो सवाल पूछूंगा, ओहो वो ये करोड़पति वाला म्यूजिक नहीं है? हाँ, दो जरा सीरियस सवाल है ना, सीरियस सवाल है, कोशिश करते हैं कि सीरियस हो जाए। ये सवाल हम दोनों इसलिए पूछते हैं ताकि हमारी जो नई जनरेशन है उसको एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफोटेनमेंट भी मिलती रहे। आपके लिए जो मैं सवाल लेके आया हूँ, ये आजकल का बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इसमें बहुत सारी रैलियां भी निकल रही हैं, प्रोटेस्ट भी हो रहा है, फंडिंग भी हो रही है। तो मुझे ये बताएं कि एज अ पब्लिक फिगर नाज़िर जहांगीर, आपको क्या लगता है इन दोनों में से सही चीज क्या है? मतलब जितना आपको जिंदगी का एक्सपीरियंस गुजरा है उस हिसाब से आपको क्या लगता है इन दोनों में से सही चीज क्या है? ये बताइए, तरबूज काट के खरीदना या बगैर कटवा के खरीदना? बताइए, काट के खरीदना आपको लगता है इस तरीका सही है? बिल्कुल। क्यों? लेकिन वो कहते हैं वो जो काटते हैं उसी पे शुगर होती है, तो आपको लगता है ये मीठा है? नहीं, अच्छा नहीं, वैसे मुझे बताइए, मुझे ऐसा लगता है ये गलत तरीका है। क्यों?
क्योंकि देखिए जो वो तरबूज है वो उगा है, वो लेके आ गया है। हाँ। आम भी तो खरीदते, आम क्यों नहीं कटवाते? तो तरबूज कटवा के आम को सूंघ सकते हैं, उसकी आम को जांचने की ये तरीका है कि आप सूंघ के बताएं। क्या आप 17 आम लेती हैं, 17 सूंघती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करती। एक सूंघ का अंदाजा होता है ना कि एक बैच अच्छा है। नहीं तो उसमें उस बेचारे का क्या? अभी मैंने ऑफ कैमरा ह्यूमर की तारीफ की थी और आम वाली बात करके ना आपने बात ही खत्म में डाल दी। तरबूज वाली बात आम नहीं, मैं नहीं हूँ, इनकी बात करें आप। मुझे लगता है उस बेचारे का क्या कसूर है जो अच्छा? मेरे एक्सपीरियंस में 100% में से 80% ऐसे रहे कि बाजी हम आपको काट के दिखाएंगे। मैंने कहा खराब निकला तो, क्योंकि मुझे भी ये ख्याल होता है कि ऐसे जाहिर है बाजी हमारा मसला है तो उनका मसला। अच्छा ऐसा होता है, ये ऑफर करते हैं वरना। अच्छा मैंने ऐसा नहीं देखा जी, बता ये कराची राहत पे भी ऐसा ही है। अच्छा। कोई बात नहीं, ठीक है जी। आखिरी सवाल आपसे, आदि या फैजान? नहीं नहीं, आदि या फैजान है ही एक, ये सब बोल चुके। ये जो वहाँ तस्वीरें लगी हुई है डीप डायलॉग मारा, नहीं ये जो तस्वीरें लगी हुई है ना, इससे ज्यादा लोग सब कर चुके हैं, इससे ज्यादा लोग आ चुके हैं, सब यही कर चुके हैं। एंड में वो जवाब ही देके जाते हैं क्योंकि फिर हमारा सेगमेंट खत्म नहीं होता, तो जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और इसकी कोई एक्सप्लेनेशन आपके लिए आसानी है, वो गौर आदि आदि बजा दिया। यू आर वेरी नाइस गाय। तुम्हारा मसला ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ फैजान की, जो अम्मा जी हैं। तो अम्मा जी की फैन रहे ना, मेरी तारीफ अम्मा जी बताती हूँ क्यों, सबको ये बड़ा मसला है, ब्रॉट अप तो वहाँ से है ना। हाँ जी बिल्कुल, क्यों ना तारीफ करूँ फिर। शुक्रिया। तो फैजान के लिए तारीफ मेरी हमेशा रहती है, इनकी बहन से भी, इनकी अम्मा से भी, कभी इन तक नहीं पहुंची तो आज मैंने बता दी। थैंक यू जी। खानदान का नाम बताइए क्या है आपके? थैंक यू जी। हमारे साथ मौजूद है काशी भाई। काशी भाई आप हमें क्या सुनाएंगे? जी, एक बहुत ही अच्छा गीत है, बहुत ही खूबसूरत गाना है। मुझे इनका भी थोड़ा वही मसला है, नेचुरल। काशी भाई थोड़ा नेचुरल कम कर रहे हो। नेचुरल काशी भाई बड़ा अच्छा गाना सुनाएंगे काशी भाई, फिर हम जाएंगे ब्रेक पे। काशी भाई आप लोग कर जाए। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह दिल में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह दिल में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये चढ़ा, ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोड़ने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोड़ने लगा। बंजारों की तरह, आवारों की तरह, बेचारों की तरह राहों से निकल गया। मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा, ये दिल अपने ही खातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। वेलकम बैक, आप देख रहे थे मजेदार शो, मेरे साथ मौजूद है आदिया दिलमजद, उनके साथ मौजूद हैं नाज़िर जहांगीर। अब हम आपके साथ खेलने लगे एक्सप्लेन योरसेल्फ। मजेदार 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 मजेदार। तो हम आपको कुछ पिक्चर्स आपकी दिखाएंगे, आप शायद याद हो आप क्या कर रही थी, क्यों कर रही। अल्लाह जी आ गई पहली तस्वीर, ये इतना मुंह में बल्ब क्यों लगा हुआ है, चमक रही है। कब की तस्वीर है, कहाँ की तस्वीर है, कुछ याद है आपको? ये है 2014 PNCA की, मैं देखने गई थी, देखने नहीं गई थी, शो करके बाहर आई थी। सियाचिन सियाचिन, अच्छा सियाचिन में भी थी, इस्लामाबाद वाले में, इस्लामाबाद वाले में थोड़ा 15 डेज पूरा नहीं किया आपने?
आपने कहा क्यों नहीं किया, इसके ही नहीं मिल रहे तो बाकी काम एक्सप्लेनेशन की बात नहीं होती, बता दी एक्सप्लेन योरसेल्फ इसका नाम ये पिक्चर का बताया ना, पिक्चर नाम ही एक्सप्लेन पिक्चर का बता दिया ना, ठीक है चले आगे चले, सबको पता है क्या मसला था। अरे वाह, ये हाथ आपका अपना है? यस, और ये मैंने खुद जान के एडिट रॉ में किया था कि ये वो लगे, क्या लगे? लग रहा है कुछ? मुझे चाहिए था कि एक एक वेन भी नजर आए, लेकिन इतनी एडिटर में अच्छी थी नहीं, नहीं लेकिन ये बड़ी अच्छी, ये बड़ी रैंडम पिक्चर है, ये एक स्टूडियो है, उस स्टूडियो में ना विंटेज चीजें पड़ी होती हैं, एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ विंटेज इंटीरियर, ओके, तो ये शीशा वहां पे नया आके लगा था, तो मैंने खड़े खड़े वहीं पे अपने फोन से पिक्चर ली, वेरी नाइस, ये मुझे रीसेंट लग रही क्योंकि आपने मास्क पहना हुआ है, ये भी डेढ़ दो महीने पहले, डेढ़ दो महीने पहले की, वेरी गुड नाइस, आगे चलें। अरे वाह, लिल वेन, ये है 2018 की शूट खत्म, पैकअप, साल साल भी याद है आप, अच्छा पैकअप की खुशी, ऐसा लग रहा है किसी ने पूछा है वो बिल्डिंग की तरह, आपने कहा ये आखिरी शॉट था, इसके बाद में कहा था पैकअप, तो मैंने फिर ये वो क्या कहता है डैब कर दिया, डैब, हां कैसे, ये बिल्डिंग किस तरफ है? इस तरफ, आप यहां से जाएं, अच्छा चलें कोई बात नहीं, आगे चलें। अरे जुए निकाल रही मैं इसका, हाँ हाँ, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पे चाहती तो मैं झूठ बोल सकती थी, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये अलिफ अल्लाह इंसान ड्रामे के शॉर्ट के बीच में से। वैसे आपको आती है करनी? हाँ हाँ सर, आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ सर जमाल शाह, अच्छा मैंने दो साल उनके अंडर आर्ट्स पढ़ा, वेरी नाइस, तो ये आप क्या क्या बना लेती हैं इससे? अच्छा मैं फेस नहीं बनाती, मेरा बिलीव नहीं है फेसेस पे, मैं डिफरेंट चीजें बनाती हूँ, डिफरेंट कुछ भी आप कह लें, गमला, हाँ चलो गमला, बोर्ड, डिफिकल्ट बताया, डिफिकल्ट बताया तुमने, डिफिकल्ट बताया तुमने, गमला अपने हिसाब से, लेकिन तुमने अपने काम किया, वेरी गुड जी, आगे चलें। अरे वाह, अरे वाह, ये तो शूट के दरमियान है फॉर श्योर, एग्जैक्टली, कोई कमर्शियल शूट था क्या? नहीं, ड्रामा शूट है, ड्रामा में इतना अच्छा कैसा हो रहा है? हो जाता है कभी कभी, हो जाता है, ये पत्थर वाले फ्रूट है या असल वाले? पत्थर वाले, असल ले ही ना है, नहीं लाते हैं, आपके हाथ में है वो असल वाला है पत्थर वाला है? वो असल वाला है, वो असल वाले जो आते हैं, एक अमरूद दिया आपको, अमरूद ही सेम है, नहीं नहीं, अच्छा अब प्रोडक्शन हाउसेस में ही होना शुरू हो गए, फ्रूट्स रखे होते हैं अब असली, तो लाके कोई खाता नहीं है ना, खाते हैं क्यों, तो कहते लाके रख दो आपके छूट पे, फिर असली नहीं आएंगे आप, एक दफा अगर आपने खा लिया ना उन्हें, ओ ये तो खा रही है, चेंज करो, ये आपने सर पे क्या पहना हुआ है? शेफ कैप, शेफ कैप, टोपी पहनी है मैंने, और क्या कहूं, नहीं पता शेफ कैप, आपने सही बोला था इसको, अच्छा नहीं मैंने नहीं देखा ना, वो तो खड़ी भी नहीं होती यूं करके, तो ये कोई किचन का सीन था, मेरा मतलब है किचन का सीन था, हां वेरी नाइस, वाह आगे चलें। वाह, अरे ये के पीछे कौन सी शरबत पी रही हैं आप? ये था रेड ट्रीट, किसी ने अगर पिया हो तो, बीट रूट का होता जी, है, जी, होता जी, है। हाँ, और ये वैसे एक बात बताऊँ इसकी असलियत, हाँ प्लीज, ये सिर्फ प्रॉप के लिए आया था और मैं सिर्फ प्रॉप में यूज कर सकी थी, मैं इसको पी नहीं सकी, क्यों? अच्छा, क्योंकि मैं शूट कर रही थी साथ साथ, तो वो गर्म होके बिल्कुल फारिग हो जाता है, तो वो जहाँ जहाँ फिर इसको यूज किया मैंने, पिया कोई एक से पिया होगा शुरू के शॉट्स में, और फिर ये इतना फारिग हो गया था कि सिर्फ ये छोड़ दो एज अ प्रॉप यूज, चलें आगे चलें। वाह वाह वाह, ये आप बैठी, बेड है नहीं टेबल है, ये टेबल पे बैठी हुई आप, टूल है ये, एक्चुअली एक कैंडिड पिक्चर है जिसका मुझे नहीं पता था, अच्छा एक्चुअली मैं आपको नहीं पता कब कहां कैसे ली गई, नहीं मुझे पता है कहां ली गई, ओके मैं हमेशा अपने साथ एक बुक रखती हूँ शूट पे, जब बहुत लंबा गैप आ जाता है तो मेरी आदत होती है, मुझे एक बड़े हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं उन्होंने ये बात सिखाई थी, कवि साहब, अरे वाह, 10 to 10 इट्स योर जॉब, यस इट इज, मुंह बंद रखो, एब्सोल्युटली, वाह वाह, मेरा सीन कब होगा, मुझे क्यों बुला लिया, इतने सीन, इतने सारे सीन, बस ये पूछती हूं मैं आके कि आज कितने सीन्स हैं, वो मेरे दिमाग में, अच्छा ये मैं एक रात पहले पूछता हूं कि मेरे सीन है तो मुझे भेजने, पढ़ लूं मैं, देख लूं क्या है, बस मेरी दूसरे एक्टर की टाइटल पिक्चर्स, तो उसने फिर ये पिक्चर ली एंड देन ही सेंड इट, टेबल पे देखो, लेकिन कितने आप आराम से देखिए, आप जरूरी नहीं है कि आप अगर फारे, क्योंकि इसके आगे भी एक टेबल पड़ा था जिसमें मैंने टांगे लंबी रखी हुई थी, मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं होता सेट पर अगर आप फारे बैठे तो मोबाइल में घुस रहे, आप कुछ पढ़ भी सकते हैं, हां बिल्कुल कुछ लिख सकते हैं, वेरी गुड, आगे चलें जी। अरे वाह वाह वाह, ये था मेरा सबसे सबसे पसंदीदा पहला शूट, सबसे पहला इंडस्ट्री में आते ही, आई वाज वेरी ब्लेस्ड दैट टाइम, अभी ड्रामा भी नहीं आया था फिजान, पहला फेस हो गया, बात है, इसके बाद मेरे पे घर से रिस्ट्रिक्शन लग गई, ड्रेस नहीं पहननी तुमने आज, ओ अच्छा इसके बाद लग गई, हां तो ठीक है, इसमें इसमें कोई बुराई नहीं है, पठान फैमिली भी है, फिर ददियाल भी है साथ, बाय द टाइम अंडरस्टैंड कर लेंगे, अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे, मैंने नहीं पहनी, लेकिन ये कपड़े बहुत आपके बहुत समरिश,
और मैं भी कल रात को ये बात किसी को बता रही थी अपने एक दोस्त को कि सारे फिजान बिलबोर्ड्स लगे हुए थे और वो मेरे लिए इतना क्यूट मोमेंट था। जानू बेबी बिल्कुल साथ था आपका और आप आते ही आप बिलबोर्ड्स पे आ गए, मतलब लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के डॉलमन के बाहर पूरे बड़े। मेरे ख्याल से वो ज्यादा हो गया, इसलिए घर वालों को जरा थोड़ा सा ज्यादा पहली दफा में। मुझे ना उस टाइम पे वही बात होती है कि आपको ना बाय द टाइम थोड़ा सा गाइड होने का पता चलता है अच्छे बुरे। मुझे उस टाइम पे मैं इसको परसू रखती ना और मेंटेन रखती तो मैं आज उस फैशन वाली चीज को भी ना कर सकती थी। नहीं, नहीं, मुझे करना नहीं आया उस टाइम पे। जाहिर है आप जब आसपास आपके है नहीं कोई। हाँ, नेवर माइंड, आगे चलें। तब किया। अरे वाह, अरे वाह, मुर्गी लग रही है इसमें आप। ये नहीं बोलना था। नहीं, चिकन लग रही है। हाँ देखो, नहीं नहीं ये आप बिल्कुल जानू बेबी समर से बिल्कुल विंटर में आ गई हैं। हाँ, ये रीसेंट 2020 दिसंबर का शूट है। इट वाज अ ज्वेलरी शूट। ओके, अच्छा। हाँ, तो ज्वेलरी शूट में उन्होंने मुझसे पूछा था कि इसको हम कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, तो मुझे ये मेरा आइडिया था टू वेयर विंटर कोट और इस तरह के फरी वाली चीजें जो एक कलर के हों, ताकि वो अलग से। हाँ, इसके और भी शूट हैं जिसमें प्लेन पर्पल है, प्लेन ब्लैक है, ताकि ज्वेलरी हाईलाइट हो। ये भी रीसेंट है, लास्ट दिसंबर। वेरी गुड, आगे चलें। इस्लामाबाद का। अरे वाह, रेड राइडिंग हुड बनी मियां। गवादर के अंदर अकेली घूम रही। नहीं, ये कहाँ की तस्वीर है? यही के किसी बीच की है, मुझे नाम नहीं पता। किसके बीच की है ये? कराची का कोई बीच है। जहाँ कराची का सेंटर नहीं कह रही हो, मुझे जैसे बीच की शर्ट थी ना, पानी वाली जगह, पानी समंदर, हॉक्सबे। नहीं, हॉक्सबे ऐसा नहीं है, हॉक्सबे इतना साहिल है। समंदर, साहिल पे खड़े हो? मुबारक विलेज वो गाना कोई छोड़े, साहिल पे खड़े हो? टर्टल बीच वो सुना नहीं तुमने? साहिल पे खड़े हो, अंदर चल जाओ, काले हो जाओगे। तो ये घमंडी के टाइटल शूट की है, घमंडी की ओएसटी की है। ओ, अच्छा अच्छा, घमंडी है कि बीच चले गई। सुहेल जावेद ने ये पूरा डिजाइन किया, उन्होंने ये लुक बनाई, उन्होंने कहा क्योंकि घमंडी तो था ही घमंडी, तो अगर एज अ स्क्रिप्ट मेरे पास आता ना घमंडियां बेरुखी, तो मैं घमंडी जवाब देती यहाँ पे। ओके, हाँ, लेकिन क्योंकि ड्रामा चल रहा है तो मुझे बेरुखी कहना पड़ा। तो ये सारा डिजाइन उनका किया हुआ था, खुद ही बता दिया। चलना पड़ता है आगे। अरे वाह, डबल सवारी। अखबार डाल रहे हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं? अखबार डालते ना साइकिल पे? नहीं नहीं, डबल। ये मेरे से पता है, क्योंकि हमें थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ता है, मैं रही नहीं इतना अपनी जिंदगी में। ये पिक्चर डाल के ना मैंने इसका फुल शॉट भी डाल दिया जिसमें साइकिल का टायर पंचर था। बेइज्जती, मैं कहती हूँ ऐसी। हाँ, लोगों ने कहा ये क्या है, ये भी कहा वजन कम कर, टायर पंचर हो गया। किसी ने कहा इतनी मोटी तो है नहीं, फिर भी टायर पंचर हो गया। ओहो, पंचर तो देख लेती। बहुत मसला है, पर देखो ना शक्ले। सोचे आप दोनों से प्यारा टायर लग रहा था। इनफैक्ट इसमें तो प्रेस करना चाहिए कि साइकिल की हालत जैसी भी हो, जो भी हो, हम इतना अच्छा एक्सप्रेशन दे रहे हैं। उर्दू मीडियम कैसी आपकी अभी तक? तो मुझे लग रहा सही है, अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। अच्छा, हम आपको कुछ वर्ड बताएंगे, आपने बताने का मतलब क्या होता है, और अगर जुमले में इस्तेमाल कर ले तो क्या ही बात है। ठीक है, क्या ही बात है। ठीक है जी, मदाखलत, इंटरफेयर करना किसी की बात। जुमला, जुमले में इस्तेमाल कीजिए प्लीज। हमारे यहाँ लोगों का बड़ा काम है हर किसी के काम में मदाखलत करना। बड़ा ब्यूटीफुल। अंजुम जी 500 रुपए बढ़ाइए। अच्छा जी, मुबैना तौर पर। मुबैना तौर पर मतलब कि मुबैना तौर पर सोफा बजाना नहीं, मुबैना अब पता नहीं, बेइज्जत ना हो जाओ मैं। नहीं नहीं, बता दें हम लगा देंगे। जोर से होंगी जितनी जोर से बोलने लगे, आराम से बोलने। एडिट हमारे हाथ में की, हम लगा देंगे। मुबैना तौर पर मैं ये कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, फिर मुझे नहीं पता लगा। मुबैना तौर पर मतलब होता है अलेज्ड, जिस पर इल्जाम हो। मुबैना तौर पर, मुबैना तौर पर इसने चोरी की है, हमें शक है, इसका तो मुझे पता। अलेज्ड, हाँ जी, कोई बात नहीं। इबहाम, इल्हाम होता है। इबहाम, आपको इल्हाम तो होता ही है लेकिन इबहाम भी होता है। तुम्हारे पैर में चोट लगी, आओ मैं तुम्हें इबहाम लगा दूं। नहीं, वो तो बाम होती है क्या? हाँ, वो सिर्फ बाम होता है, इबहाम। अच्छा, ऑनेस्टली कुछ लोग अबहाम बोलते हैं, कुछ लोग इबहाम बोलते हैं। ये मैंने सुना भी नहीं पहले। इसे कहते हैं एम्बिगुइटी, व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग। ओह, मुझे इबहाम हो रहा है कि आज मसाला तेज होगा। इबहाम तो ये इल्हाम की फॉर्म ना हुई? नहीं जी, इल्हाम कुछ और चीज होती है।
इबहाम कुछ और चीज होती है, अलग अलग अल्फाज। अच्छा, ये इबहाम हो रहा है कि आज जब हम जाएंगे तो वहां बहुत अच्छा जी, तवील तवील, अरे लंबा मुझसे पूछे आप खेल लो बस मुझसे पूछे, तवील तो मैं बहुत यूज करती हूं। चलें जुमले में इस्तेमाल करके दिखाएं, आप कुछ तवील करें। हाँ, आपकी बात बड़ी तवील हो गई, इसको थोड़ा मुख्तसर करके मुझे। तवील का इन्होंने जल्दी से उलट भी बता दिया हमें, क्योंकि वो वॉइस नोट इतने लंबे लंबे आते हैं तो मुझे कहना पड़ता है आपने काफी तवील कर दी है, इसको आप मुख्तसर करके बता दें, मुझे समझ आ जाए। अब तो वो आ गया ना, वो दबा के तेज करो, ओए जिंदगी आसान। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं समझ में नहीं आता कि आदमी को समझ में क्या जाता है, ये भी ऐसे सुनता है। X2 मैं भी ऐसे सुनते हैं, आज X2 पे सुनते हैं। मैं आपको कह रहा था कि जल्दी से चल। अच्छा ठीक है, मुल्तवी मुल्तवी खत्म करो, मुल्तवी नहीं खत्म करो नहीं होता, मुल्तवी करना ना, मुल्तवी 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 नहीं होता, मुल्तवी होता है। ये मैंने लास्ट वही है, बस मैंने गलत बोल दिया, मुल्तवी करना। क्या करना, मुल्तवी का मतलब क्या, मुल्तवी करना इज व्हाट, डिले समथिंग। हाँ, कैसे थे, पोस्टपोन होता है बेसिकली, वो एक ही बात नहीं, एक ही नहीं होता ना, डिले कुछ। आज की फ्लाइट मुल्तवी होगी। हाँ, बोलते भी हैं ये लोग। चले, थैंक यू, वेल डन यार आदि, 500 इनके हुए। अच्छा जी, दोनों बताए। हाँ, 500 इधर चले गए। शाजो नादिर, मेरे दो बच्चे हैं शाजो नादिर, इसीलिए नहीं है, इसीलिए नहीं है जी। शाजो नादिर, शाजो खुशामद नहीं, मैं तो वो तो खुशामदीद होता, सुना है। तो वो खुशामदीद होता है। शादो नाजर, नाजर शाज, शाज, मैं अपना मैं वहां गया, मैं बड़ा शादो नाजर था। अच्छा, क्या था मतलब, तारीफ बड़ा अलर्ट, फिर नहीं मुझे नहीं। मैं जुमले में इस्तेमाल करता हूं, आप लोग कोशिश करें कि आप लोग गेस कर लें। शादो नादिर कराची में बारिश होती है शायद कभी कभार, Once in a blue moon, once in a blue moon is शादो नादिर। ठीक है जी, ला हासिल, ये तो अरबी है, ला हासिल हासिल ना हासिल, अरबी में ला हासिल जी नहीं, ला हासिल तुम मेरी ला हासिल मोहब्बत हो। हाँ, दे दिया जुमला, बताइए क्या डायलॉग, क्या बताया, अनकंडीशनल नहीं 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 नहीं, ना मिलने वाली जुमला आपने बिल्कुल सही बोला, अंग्रेजी में ना जुमला सही बोला है, ला हासिल भाई देखिए बड़ा आसान है, हासिल जो मिल जाए, ला हासिल जो ना मिले, जो ना मिले, मैंने सही बोला ना अरबी वाला, ला क्या होगा, Not achieved. Not achieved को कहते हैं। इतना easy? हाँ। Not achieved. बड़ा simple था। मैंने सही बोला। अच्छा जी, मजम्मत। मजम्मत। आओ ये कुर्सी टूट गया इसकी मैं मजम्मत करूँ। वो मरम्मत होती है, क्योंकि मैं आपकी करूँगा थोड़ी देर बाद। मजम्मत करना। तुम बीमार हो मैं तुम्हारी मजम्मत करूँ? नहीं। गलत। तुम गिर गए हो मजम्मत करो उठो। हमदर्दी? वो हिम्मत होती है। हमदर्दी? नहीं। मजम्मत। मैं आपकी इस्लाह करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। नहीं। इस्लाह कुछ और चीज है। देखिए मैं इस वाकये की सख्त मजम्मत करता हूँ, मैं खिलाफ हूँ इस वाकये के, ना शुक्र है ये भी लफ्ज देख रहे हैं, इस वाकये की मजम्मत करता हूँ, बताइए मैं इस वाकये की कंफर्मेशन देता हूँ, डिस्क्राइब करना, नहीं मैं आपको वाकये की मैं गवाही दे रहा हूँ आपको, नहीं मजम्मत कर, गवाही दे रहा हूँ तो फिर गवाही हो गई ना, मजम्मत कहाँ हुई, मैं इस वाकये को कंडेम करता हूँ, कंडेम करने को मजम्मत कहते हैं। ठीक है, अम्मी से सीख कर आया ना, नहीं नहीं लिखा हुआ है इसके पास, देखा था सीख के, आपके पापा ने बनाया ना बेसिकली, अच्छा कहीं से देख के बनाया होगा, बड़ी में वैसे उन्होंने उर्दू सिखाई तो थी, फुल के पुराना गुस्से में गुले राना की छोटी बहन, थैंक यू। मफरूर, हां चोर जो मुझे ढोके चोरी करके मफरूर हो गए, सही है ना, एक काम कर लो आप कर लो, सही बोल दिया ना, अंजुम इनको पैसे करा दो, मैंने किया सही, मफरूर वही भागने वाला ना, मफरूर हो गया ये इंसान, जैसे कि कोई आप जुमले में इस्तेमाल करें, चोरी करके मुस्लिम मफरूर हो गया, चोर मुस्लिम मुस्लिम मुल्ज़िम मुल्ज़िम मफरूर हो गया, और थोड़े मजलूम थे तो मुस्लिम हो गए। अच्छा जी, आखिरी है बिल्कुल, आपने सोच समझ के जवाब देना है दोनों ने, उसके बाद कुछ नहीं बोलोगे, क्यों, बिकॉज शट अप, जम में गफीर है नहीं गए वे, क्या है नहीं गए वे, जम में गफीर, जब मैं कफील में रहता था ना बड़ा वहां का मौसम गर्म था नहीं जी, आप लोगों को पता है किसी को, यासिर भाई को बताओ, आप तो लिखने वालों में से, बताइए जम्बे गफील, जम्बे गफील, आई गिव अप, नहीं नहीं आज मैं जब निकला घर से आने के लिए, जम्बे गफील रोडों पे था, रश रश, ओह नाइस, जम्बे, मैं उस दिन काशी भाई कर गया, जम्बे गफील पूरा रास्ते में, ये सब पे लिखूंगी। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं घबराया था, लेकिन तुमने रास्ते में कर दिया तो मैं ठीक हो गया, अच्छा हुआ तुमने, जम्बे गफील। अच्छा अब आप इसका मतलब बताइए, हाँ किसका, जम्बे 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 गफील, रश अभी तो बोला, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आपने जम्बे बोला, मैं कहा जम्बे, अच्छा जम्बे, जम्बे गफीर, जम्बे गफीर बेसिक, तकलीम का मतलब बताइए, ये तो तुम में नहीं बता सकते, नहीं नहीं बता, मुंह तो पक्का वाला बनाओ, नेचुरल की कमी है, तकलीम का मतलब बताइए,
तुम बताओ क्या तकलीम का मतलब? नहीं पता, सोचो। मैं देखो सुनो, तकलीम तकलीम ना ना हुआ कोई ऐसा लफ्ज़? नहीं नहीं, इसको पता ही है, अभी दिमाग लगाएगा आ जाएगा। नेचुरल एक्टिंग कर रहे हैं। तखलीम, परसों की जो हलीम रखी हुई होती है। ले तखलीम। थैंक यार। अच्छा, पुरानी हलीम को तखलीम कहते हैं। गुड यार आदि, ये तो मुश्किल वाले कर रहे हो एक साथ, आहिस्ते आहिस्ते मुश्किल। ये सही वर्ड जी जी, तखलीम तखलीम। अगर तीन दिन पुरानी हलीम या दो मतलब पुरानी बासी, पुरानी बेसी बासी हलीम को तखलीम कहते हैं जी। आसान वाले पूछो। वाह, मुझे नहीं पता। तुम जो डायरेक्ट में, जैसे मैंने जम्मे गफीर लास्ट में लेकर आया हूं मैं, तुमने स्टार्ट ही तखलीम से। नहीं, मैंने कहा दो और बस, छोटा वर्ड पूछ लेता हूं। हां छोटा, ठीक है। ममलियत, ममलियत, ममलियत। हां ये तो बहुत आसान है, आसान सा वर्ड। तो आपने न्यूज़ चैनल पे सुना होगा। नहीं आ रहा, न्यूज़ चैनल पे नहीं सुना आपने? सुना है, बहुत सुना है। तुम बताओ भाई, मुमलिकत बनने से पहले जो सिचुएशन होती है, इलेक्शन से पहले जो वो होती है, उसको ममलियत कहते हैं। काट देना। अच्छा, आखिरी पूछूंगा, लास्ट। आसान करो यार, बहुत मुश्किल है। तखलीम, ममलियत, ये तरह मुश्किल अल्फाज है। तखलीम भी पहली दफा सुना है मैंने, ये जम्मे गफलियत। ममलियत तो सुना था आपने न्यूज़ में, ममलियत सुना हुआ था, सही में नहीं आ रहा था। चलो आरवाई, आरवाई अलिफ बदा, ये तो क्या बात है, आरवाई नहीं। अरे यार, बहरा रवि, फाइव, बहरा रवि कुछ और था ना, थ्री, टू, आरवाई। कार्रवाई से पहले जो प्लानिंग होती है उसको आरवाई कहते हैं। मुझे नहीं पता था, इट्स ओके, कभी नहीं सुना। कार्रवाई का पता है, कार्रवाई डल गई। ये कार्रवाई से पहले की कहानी। ये वर्ड आपने पता है क्यों नहीं सुने हुए? क्योंकि ये तीनों वर्ड्स हैं ही नहीं। देखे हमने नेचुरल किया ना, देखे ब्लॉक करूंगी इसका। लेकिन नेचुरल तो हुआ ना, ममलियत तो आपने कह भी दिया कि मैंने सुना है, ये नहीं सुना होगा ऐसा वर्ड होगा। नहीं, वो ममलिकत होता है, होते हैं कुछ ऐसा, मुमलिकत सुना होगा ऐसा। हाँ, मुमलिकत, मुमलिकत। लेकिन चलें कोई नहीं, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है सेगमेंट खत्म होने वाला है। सेगमेंट नहीं, मुझे लगता है शो खत्म होने वाला है। नाजी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, इट वाज गुड गुड फन हैविंग यू हियर। सेम हियर। उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा। और अगर जाने से पहले आप कोई मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज बी काइंड टू अदर्स, प्लीज, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। आदि भाई सबसे अच्छे से रहें यार, छोटी सी जिंदगी है, और अब तो ये कोरोना शरोना ने आपको दिखा दिया कि जो छोटी जिंदगी है तो वो तो बिल्कुल ही अब ऐसी हो गई है कि पता नहीं चलता। खुश रहे, खुश रहने दे, बख्शते, चिल करें। और ये अपने जहन से निकाल दें कि किसी के ऊपर रोप डालने से आपका भरम होता है, ये आपकी बहुत गलत फहमी है। खुशी फहमी बहुत है आप लोग, खुश फहमी। ये तुमने, ये बड़े लोगों के कॉन्सेप्ट है कि यार जरा यूं करके बात करोगे ना तो ये जरा दबा रहेगा, तो ये मेरे वो हो गया। ये हो तो जाता है लेकिन आपकी इज्जत पे टकेगी नहीं। ये तुम अक्षय जी को बोल रहे हो? नहीं नहीं, अंजुम जी का नाम भी नहीं लिया मैंने तो। आज तो शो ही पूरा नहीं हो पा रहा था। अंजुम जी के बगैर हमारा शो पूरा नहीं होता। ये वैसे इसने कोई खार निकाल ली है आज, है ना? नहीं, मुझे पता है कि इसमें पता है, मुझे डांट पड़ी इसको थोड़ी देर पहले, तो मैं भी बड़ी खार निकाल। नहीं नहीं, मैं तो बोल डांट दे दिया, ये गलत बात। मैं तो मुंह पे बोल देता हूं ऐसी कोई बात हो तो, मुझे नहीं मसला होता। अच्छा हां चलो ठीक है, तुम तखलीम करो कि हारवाई में जो है हारवाई ममलियत कर लो। वेरी गुड। तो उम्मीद करते हैं जी आपको हमारा शो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप लोग अगले वीक भी ट्यून इन कीजिएगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा, हम आपके तमाम कमेंट्स पढ़ते हैं, यानी कि मैं ये नहीं पढ़ते। और जाने से पहले मैं पढ़ता हूं, पढ़ता हूं, कुछ नहीं पढ़ते तुम, फजूल बातें कर रहे हो। मैं आपको सुना दूंगा या बैठे बैठे पांच छह कमेंट्स तो सुना तो तुम देते हो मुझे पता, खरी खरी। जाने से पहले काशी भाई आप हमें क्या सुनाएंगे एक अच्छा सा गीत? मैं आपके लिए जवाब भी नहीं देना पसंद करता, घूम के देखा ये कौन है। प्यारे 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 प्यारे, तार बिना लगे नहीं मरा जिया रे, हो तार बिना लगे नहीं मरा जिया रे। प्यारे 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 प्यारे, तार बिना लगे नहीं मरा जिया रे, हो तार बिना लगे नहीं मरा जिया रे। नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, थर बिना लगे नहीं मरा जिया रे, हो थर बिना लगे नहीं मरा जिया रे। थर बिन मोहे कुछ नहीं भावे, धक 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 हमारा जी घबरावे, बोले बसुरिया सुन ले सवरिया, बोले बसुरिया
सुन ले सवरिया तारे बिना मोहे कुछ नहीं भावे प्यारे 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 तारे बिना लगे नहीं मरा जिया रे ओ तारे बिना लगे नहीं मरा जिया रे नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे तारे बिना लगे नहीं मरा जिया रे ओ तारे बिना लगे नहीं मरा जिया रे Assalamualaikum, मैं हूं हसन चौधरी और मैं आ रहा हूं आदि और फिजान के द मजेदार शो में बहुत जल्द ओनली ऑन टीवी वन मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो